बद कोई खुशनुमा। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूं आपको। सभी मटेरियल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास न्यू वर्जन अलाइट मोशन ऐप नहीं है तो उसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप न्यू वर्जन अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मेरे मटेरियल को डाउनलोड करके ये तीन फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है। आप मेरे मटेरियल को डाउनलोड और इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंपोर्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉन्ग को ऐड करना है। आपके में ये सॉन्ग में एरर शो करेगा, तो आपको सिंपली सॉन्ग को सिलेक्ट करके एंड यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट होने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाके आपको अपने सॉन्ग को ऐड कर लेना है। सॉन्ग ऐड हो गया। सॉन्ग ऐड होने के बाद अब आपको इसमें क्लिप्स को ऐड करना है, तो सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है। मीडिया में जाना है। मीडिया में जाकर आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने अपना मटेरियल डाउनलोड किया है। उसके बाद आपको सभी क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी लेंथ ज़्यादा दी है जिससे आप आगे पीछे भी क्लिप्स लगा सकते हैं। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, उसके बाद ये ऐड हो जाएंगी। क्लिप्स ऐड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको इसको कट करना है बीट मार्क के हिसाब से। आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्टिंग में एक बीट मार्क लगा है एंड सेकंड पर दो बीट मार्क लगे हैं। तो जहाँ पर दो बीट मार्क लगे हैं वहीं पर आपको क्लिप को कट करना है। तो सिंपली आपको अपनी वर्टिकल लाइन को उस बीट मार्क पर लाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर देना है। कट होने के बाद अब आपकी ये क्लिप एडजस्ट हो गई है। फर्स्ट क्लिप एडजस्ट होने के बाद अब आपको सेकंड क्लिप को एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपको क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्लिप आपकी आगे आ जाएगी। अब आपको क्लिप को इस तरफ सिलेक्ट करके टू बीट मार्क को देखना है। टू बीट मार्क देखने के बाद आपको उस क्लिप को सिलेक्ट करके कट कर देना है। सेकंड क्लिप एडजस्ट होने के बाद अब आपको थर्ड क्लिप को एडजस्ट करना है। तो आपको थर्ड क्लिप को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी थर्ड क्लिप भी आगे आ जाएगी। अब आपको इधर सिलेक्ट करके टू बीट मार्क को देखना है। दो बीट मार्क देखने के बाद अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्लिप को कट कर देना है। अब आपकी थर्ड क्लिप भी एडजस्ट हो गई है। इसी तरह आपको सभी क्लिप को एडजस्ट कर देना है। तो सभी क्लिप एडजस्ट होने के बाद तो अब आपको HDRCC इफेक्ट को ऐड करना है। तो सिंपली इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है। यहाँ पर आपको HDRCC फाइल को ओपन करना है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स करके फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको कॉपी थ्री लेयर्स पर क्लिक कर देना है। अब आपकी थ्री लेयर्स कॉपी हो गई हैं। अब आपको बैक जाना है, फिर बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर्स कर देना है। अब आपका HDRCC इफेक्ट ऐड हो गया है। अब आपको इसमें टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करना है। तो सिंपली आपको इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको टेक्स्ट इफेक्ट फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का टेक्स्ट दिखेगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स कर लेना है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी 32 लेयर्स कर लेना है। अब आपको यहाँ से बैक जाना है और अपने बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट 32 लेयर्स कर देना है। अब आपका टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो गया है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर अब आपको क्लिप्स में फेड इन फेड आउट इफेक्ट देना है। तो सबसे पहली वाली क्लिप पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है एंड ऐड इफेक्ट में जाकर आपको फेड सर्च कर लेना है। फेड सर्च करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। आपको इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड आपको इसकी इन को 0.00 सेकंड रखना है एंड आपको इसकी आउट को 0.50 सेकंड या 30 सेकंड आप रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डन करके एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर देना है।
अब आपको सेकंड क्लिप पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट्स कर देना है। तो अब आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप इनको इसमें 20 या 30 रख सकते हैं। एंड ये डन हो गया, अब आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट्स करना है। ओके, अब आपकी सेकंड क्लिप पर भी इफेक्ट ऐड हो गया है। अब आपको थर्ड क्लिप पर ऐड करना है, तो सिंपली क्लिप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट्स कर देना है। इसी तरह आपको सभी क्लिप्स पे इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ओके, तो अब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं।